हेलो गाइस, वेलकम एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स वेरी लेट, आई एम वेरी वेरी लेट। इट्स बीन 19 टू 20 डेज एंड आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो फॉर यू गाइस। यू नो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हमारी लाइफ में, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ इशूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हम यू नो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। आई नो आप सभी नहीं लोग बहुत ही समझदार हैं तो आप समझ सकते हो। सो बट उससे पहले आप सभी लोग मेरे को बताओ कमेंट डाउन बिलो कि आप सभी लोग कैसे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं नहीं, अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपनी पर्सनल केयर कर रहे हैं नहीं। सो कमेंट मी बिलो एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलो मैं बता देती हूँ आपको कि जो वीडियो होने वाली है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो मतलब इतने दिन से ना मेरा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया था गाइज कि मैं खुद अपनी पर्सनल केयर नहीं कर पा रही थी। मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल सी फील हो रही थी, मेरे को ना थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स भी फील हो रहे हैं, लग रहा है जैसे कि स्टार्ट हो रहे हैं होना। तो कोई नहीं, इन सबको तो मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करके फिक्स कर ही लूँगी, बट जो स्किन है, जो डलनेस आ गई है रेमेडीज़ में, जैसे कि आप सभी को बताया, एज यू ऑल नो गाइज की रेमेडीज़ को फॉलो करते रहना चाहिए, कॉन्टीन्यूटी इनमें कॉन्टीन्यूटी बनाए रखनी चाहिए जिससे कि इफेक्ट जो है वो हमें अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए। बट गाइज अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक फेशियल करा जाए। लगभग 4 से 5 महीने से मैंने कोई फेशियल नहीं करा है, सो मैं एक फेशियल करने वाली हूँ गाइज। सो सोचा कि आप सभी लोगों के साथ ही करती हूँ फेशियल, एंड ये एक रिव्यू वीडियो भी होने वाला है गाइज, क्योंकि ये जो फेशियल है वो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है। मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, दो तीन महीनों से तो रखा हुआ था मेरे पास फेशियल, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो इस फेशियल को करके भी देख लेते हैं। सो आज आप लोगों के लिए कोई रेमेडी लेकर नहीं आई हूँ, ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिव्यू वीडियो। सो अगर आप लोगों ने मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा फेशियल करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस नेचुरल का फेशियल किट है ये, एंड दिस इज़ द डायमंड फेशियल किट, एंड मैंने इसको गाइज CSG कैंटीन से परचेज किया था। सो वैसे इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो है 150 रुपीज़। अगर आपको दिख रहा है यू नो, अगर आप देख सकते हो तो ये यहाँ पे प्राइस डला हुआ है इसका यहाँ पे। सो गाइज इसका जो एक्चुअल प्राइस है, मार्केट रेट है, वो है 150 रुपीज़। तो इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब अफोर्डेबल ही है, ठीक ही है, चीप प्राइस ही है। सो बट मेरे को तो ये इससे भी सस्ता पड़ गया था क्योंकि मैंने इसको CSG कैंटीन से परचेज़ किया था, तो मेरे को ये 70-80 अप्रॉक्स पड़ गया होगा। सो चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है गाइस ये। सो गाइस वन मोर थिंग, इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज दिशा परिहार, माई चैनल नेम इज दिशा सिंह, एंड माई चैनल इज ऑल अबाउट स्किन केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर एंड समटाइम्स ब्लॉगिंग ऑल्सो। सो if you are interested in home remedies then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ you will get notified first। जैसे कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप सभी को पहले से ही बताया ये सारी चीज़ें, बट ये जो एक पंचलाइन होती है ना वो बोलना भी ज़रूरी होती है यू नो फॉर फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए। सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो अब आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज फाइनली अब हम अपने फेशियल को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस नेचुरल का फेशियल किट है ये, एंड ये मुझे पड़ा था कुछ 150 रुपीज़ में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसका प्राइस। बट चलो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है नहीं, क्योंकि मेरे को तो ये डिस्काउंट में ही मिला था, 70-80 रुपीज़ में कुछ पड़ा होगा मेरे को। सो इट इज़ ओके, ठीक है, चलो फिर चीप ही प्राइस है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायमंड फेयरनेस फेशियल किट, सो ये डायमंड का फेशियल किट है, एंड लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि कितना डायमंड की चमक लेके आता है ये हमारी स्किन पे, मेरे फेस पे। सो गाइस आज ना मैंने अपने बालों को वॉश किया था, मतलब हेयर वॉश किया था मैंने, हेयर वॉश। सो मेरे को अपने बाल बड़े अच्छे लगते हैं जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ना गाइस कि जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो बालों के साथ साथ कुछ मेरा फेस भी ग्लो करने लगता है। सो किस किस को और भी ऐसा लगता है मेरे को बताना गाइस, कॉमेंट में ब्लो, एंड चलो फिर फेशियल को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं अपने बालों को टाइप करूंगी ताकि जो भी छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं ना वो हमारे फेस पे ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारी आंखों पे ना आए। जब भी आप कोई रेमेडी करो या फेशियल करो, स्क्रब करो, कुछ भी करो ना गाइस, तो इस तरह से अपने बालों को टाइप कर लिया करो, इससे काफ़ी ईजी हो जाता है कोई भी रेमेडी करना या कोई भी फेशियल करना। सो गाइस यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही हूँ बट ये मेरे से ओपन हो नहीं रहा है। 2000 years later. And look at this, इसकी कुछ पैकेजिंग इस तरह है, ब्लैक कलर की पैकेजिंग है, इसके ब्लैक कलर के बॉक्स में आता है ये, एंड पैकेजिंग तो चलो ठीक ठाक ही है, एंड लेट्स सी कि अंदर से कैसा होता है। सो गाइज अंदर से ये कुछ इस तरह से है, कुछ कार्डबोर्ड टाइप का है, एंड इसमें 5 steps दिए हुए हैं। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लेंजिंग मिल्क। सो गाइज क्लेंजिंग मिल्क जो होता है ना वो हमारी स्किन पे
एक मतलब एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है एंड रिफ्रेश करता है हमारी स्किन को। इट्स अ क्लेंजर ताकि जो भी हमारे फेस पे जो भी इम्प्योरिटीज होंगी ना पहले से उनको ताकि हटा देगा। एंड यहाँ पे मेरे को इसकी स्मेल बड़ी गंदी लग रही थी, कहीं से बड़े अजीब से स्मेल कर रहा था, मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया था पहले ही स्टेप से। वो ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि मेरे को लगा कि ये फर्स्ट स्टेप में ही इतना गंदा स्मेल कर रहा है तो इसके सारे स्टेप्स कैसे मतलब अजीब से होने वाले हैं। इतनी गंदी स्मेल मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी गाइस कि मतलब ये ऐसा होगा। सो गाइस यहाँ पे मैं सारे क्लीनअप के स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं क्लीनअप कर रही हूँ। गाइस जो क्लेंजर होता है ना उसको हम मेकअप रिमूवर में भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेकअप रिमूवर, मेकअप को रिमूव करने में। सो गाइज देख सकते हैं आप किस तरह से मैं मसाज दे रही हूँ ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ, ताकि मेरा जो फेस है वो फेशियल के लिए रेडी हो जाए गाइज। सो लेट्स सी कि किस तरह से आउटपुट निकल के आता है इस फेशियल किट का, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। सो मेरे को नहीं पता कि ये कैसा होने वाला है। सो इस तरह से मैं अपने ना चिन पे भी कर लूँगी मसाज एंड बस हो जाता है इस तरह से क्लीन अप। सो गाइज यहाँ पे मैं अपने फेस को क्लीन कर लूंगी एक वेट टॉवल से। गाइज आप ना इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप अपने फेस को स्टीम भी कर सकते हैं, बट मैंने स्टीमर तो मेरे पास है नहीं एंड मैंने इतना कुछ झंझट किया नहीं। आप चाहे तो अपने फेस को स्टीम भी कर लिया करें जब भी आप फेशियल कर रहे हैं। सो गाइज मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रब। सो गाइज एज यू ऑल नो कि स्क्रब तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए, जरूरी नहीं है कि जब भी आप फेशियल करें जब भी आप स्टेप स्क्रब करें। स्क्रब तो आप कभी भी मतलब हफ्ते में दो बार तो आप स्क्रब करते ही रहें, अगर आप टीनेजर हैं या अगर आप मतलब कोई भी एज हो ना आपकी तो आप स्क्रब जरूर किया करो, ताकि जो कि आपकी स्किन है ना, जो कि इम्प्योरिटीज हैं आपकी स्किन पे, जो कि डर्ट पोल्यूशन डस्ट की वजह से जो भी हमारी स्किन पे आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आ जाते हैं ना, तो स्क्रब से सब रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड यू नो प्लम्पी सी फील करती है। सो स्क्रब को कभी भी स्किप नहीं किया करो गाइज, हफ्ते में दो बार तो जरूरी किया करो एंड स्क्रब के सारे स्टेप्स को फॉलो करना गाइज। एंड इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, सो उसको जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। सो गाइज यहाँ पे मैं स्क्रब के सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ। गाइज स्क्रब करते हुए ना कभी भी आप अपने पाम का यूज मत करा करें, हमेशा आप दो से तीन फिंगर अपने फिंगर्स का ही यूज करें गाइज। एंड बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं ना गाइज वो बहुत ज्यादा हार्श कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यू नो हार्ड हाथों से मसाज कर देते हैं, स्क्रब करते हैं, जिससे क्या होता है ना गाइज हमारी स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं। तो हमें कुछ इतना ज्यादा हार्शली नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से लाइटली मसाज करते हुए अपने स्क्रब को करना है और इसको 15-20 मिनट्स तक करना है। एंड फॉरहेड पे इसलिए करना है ताकि जो भी रिंकल्स फाइन लाइंस आती है ना वो सब इससे रिमूव हो जाती हैं। एंड नोज के पास तो सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं एंड डार्कनेस भी गाइज नोज के पास ही आ जाती है। सो नोज के पास और अपनी चिन पे यहाँ मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ पे अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, जिससे कि आपकी स्किन जो है ना वो एकदम मतलब खिल उठे, जो भी स्मूथनेस आ जाए आपकी स्किन पे। सो गाइज स्क्रब को अच्छे से फॉलो कर लेना, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अच्छे से मसाज कर लेना, 15-20 मिनट तो अच्छे से दीजिए ही। सो गाइज वैसे तो फेशियल को ना अगर मैं बताऊं आपको तो आप एक महीने में एक बार फेशियल जरूर करा करें, अगर आप कर सकते हैं तो 15-15 दिन में भी करें, फिर तो और ही अच्छी बात है, आपकी स्किन एकदम मतलब खिल उठेगी। सो गाइज मैंने तो काफ़ी टाइम से नहीं किया था स्क्रब, 2-3 महीने से नहीं किया था। सो मैंने सोचा कि चलो करते हैं आज आप लोगों के साथ। स्क्रब करने के बाद गाइज अपने फेस को अच्छे से एक वेट टॉवल से क्लीन कर लें, सारा पोछ लें, अच्छे से क्लीन कर लें। एंड गाइज हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं ना तो आप अपने फेस के साथ अपने नेक को भी कवर करें, ऐसा ना हो कहीं कि आपकी नेक और आपका फेस अलग लगे। तो ये तो चलो ठीक था, स्क्रब करने के बाद तो चलो फेस थोड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे को क्लीन अप सा लग रहा था कुछ। सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। सो गाइज यहाँ पे थर्ड स्टेप को मैं फॉलो कर रही हूँ, थर्ड स्टेप जो है वो है फेयर कॉम्प्लेक्स क्रीम। सो ओके गाइज इट्स एन आयुर्वेदिक फेयरनेस क्रीम जो कि हेल्प करती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन को कम करती है एंड स्किन को फेयर मतलब फेयर लुक देने में यू नो जनरली अगर बोले तो स्किन को लाइटन करती है, हमारे टेक्स्चर को यू नो लाइटन करती है, एनहेंस करती है हमारे कॉम्प्लेक्शन को। सो पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करती है एंड लेट्स सी कि इसका ग्लो कैसे निकल के आता है। इसकी कुछ स्मेल थी ना गाइज वो कुछ मेरे को ऐसी लग रही थी जैसे कि कोकोनट ऑयल नहीं होता है, मतलब या तो फिर कोकोनट ऑयल या डायरेक्टली हमने कोकोनट ही ले रखा हो हाथ में, कुछ उस तरह से स्मेल लग रही थी। बट गाइज ये फेशियल जो है ना वो कुछ इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव तो है भी नहीं, बट एक्सपेंसिव जैसे कुछ फीलिंग भी नहीं दे रहा था, बड़ा ही चीप सा ही लग रहा था मेरे को करने पर, इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सो ठीक ही है यार, बट मैं आपको गाइज यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर फेशियल कर रहे हो ना गाइज तो
सो गाइज अगर आप थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट कर दें गाइज, तो VLCC वगैरह का कर लें आप, अगर आपका थोड़ा सा और अच्छा बजट है तो आप लोटस पे जाएं, एंड इस तरह के ना फालतू ब्रांड्स पे बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये, एंड बड़ी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। स्मेल तो ठीक ठाक ही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोकोनट ऑयल से मैं मसाज कर रही हूँ, इसके लिए मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं फेशियल कर रही हूँ। सो ठीक है चलो अब कर रही हूँ, तो क्या निकल के आता है आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं सारे मसाज के स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आफ्टर। सो इस तरह से मैंने ना अपने चिन पे भी अच्छे से मसाज कर लिए, नोज के पास, आईब्रोज के पास, एंड आंखों से थोड़ा बचा के रखना गाइस, ताकि जो आपकी आईज हैं वो प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि आईज का पास का जो एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा यू नो सॉफ्ट होता है एंड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उससे थोड़ा बचा के रखना चाहिए। लिप्स के पास अच्छे से इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं सारा फेशियल कर लूँगी अच्छे से, एंड बस इस तरह से मेरी जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ आफ्टर दिस इतने ज्यादा हाथ चलाते हुए तो थक भी जाते हैं यार, हाथ दर्द होने लगते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम पार्लर में जाके फेशियल करा लें। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ वेट टॉवल से, एंड चलो तीसरा स्टेप तो फॉलो हो गया, एंड फेस पे थोड़ा सा ग्लो तो आया है, लग ही रहा है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप, यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है गाइज वो है फेयरनेस मसाज जेल। लुक एट दिस, क्या मतलब बकवास चीप सी पैकेजिंग है, एंड ओ माय गॉड, ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल भी कि ऐसा होने वाला है। ये फोर्थ स्टेप था गाइज फेयरनेस मसाज जेल का, एंड ये देखो लुक एट दिस, ये पूरी तरीके से एम्प्टी है गाइज, लुक एट दिस, क्या है ये, मतलब पूरी तरीके से खाली है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, एंड ये मजाक है, ये ऐसा लग रहा है ना गाइज जैसे कि फेविकॉल नहीं होती है, फेविकॉल होता है कुछ गम टाइप होता है चिपकाने वाला, एंड वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाता है। सो गाइज ये ऐसा ही लग रहा है, एंड दिस इज टोटली यू नो बकवास प्रोडक्ट है ये, नॉट वर्थ गाइज, बिल्कुल भी मतलब पैसे बर्बाद ही है इसमें तो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, कर लेते हैं क्या होने वाला है इसके साथ। लेट्स सी फोर्थ स्टेप को तो हमने स्किप ही कर दिया, मतलब करते भी क्या, वो तो खाली ही था। सो लेट्स सी इसकी क्या स्मेल होने वाली है, ये कुछ इस तरह से स्मेल कर रहा है ना गाइस जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है ना, एंड बस मुल्तानी मिट्टी को इस तरह से रख दिया, एंड बहुत ही ड्राई है ये, फेस पैक कैसे हो सकता है, मैं इसको कैसे लगाऊंगी अपने फेस पे, लुक एट दिस गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये कितना ड्राई है, एंड मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ तो ये लग भी नहीं रहा, देखिए यू कैन क्लियरली सी गाइस कि किस तरह है। सो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ना पानी मिक्स कर लिया, एंड ये कुछ इस तरह से इसका जो टेक्स्चर आया है, एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे, फेस पैक इसको अप्लाई कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, बट बहुत ही थिन लेयर आई है, क्योंकि ये गाइज ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, मतलब वाटर के साथ मिक्स ही नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंसिस्टेंसी में था। सो अब जैसे तैसे हो पाया तो मैंने इसको मिक्स करके एंड अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, एंड पूरे फेस पे एंड नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे अच्छे से आराम से बढ़िया, एंड इसको अप्लाई करने के बाद वेट करूंगी 15-20 मिनट्स इसके ड्राई होने के लिए। सो एक घंटा तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है जैसे कि फेशियल किट में होता है, एंड ये ड्राई हो चुका था गाइस। सो यहाँ पे मैं इसको वेट टॉवल से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, एंड जो फिफ्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है, एंड मतलब कि जो फेशियल है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, इसके पांचों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड कुछ भी मेरे को लग नहीं रहा है, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैंने फेशियल किया हुआ है, एंड कुछ मजा नहीं आया इस, अच्छा मतलब एवरेज तो छोड़ो बकवासी प्रोडक्ट है ये। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस फेशियल किट के साथ वो भी मेरे को शेयर करके बताना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।